हेलो गाइस, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आर एस ऋषि ब्लॉग। अभी देखिए हम लोग 22 तारीख है और हम लोग मौजूद हैं यज्ञ सरशीतला स्थान पे। जैसा कि हम बहुत सारा वीडियोस का अपलोड कर चुके हैं, कलश शोभा यात्रा, यज्ञ प्रारंभ हुआ कैसे, राम कथा का पहला वीडियो, और आज हम लोग दूसरे दिन फिर एक बार मिलते हैं अपने वही अंदाज में अपने यूट्यूब चैनल आर एस ऋषि ब्लॉग में। और जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे ये शाम का बेला है और शाम के बेला में यहाँ पे देखिए आरती का काम हो रहा है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंचल किशन जी। इनसे बात करेंगे कि मेले में किस प्रकार का कैसा भीड़ हो रहा है और क्या क्या तैयारी है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इतना ज्यादा भीड़ आ रहा है कि लोग अचंभित हैं और खेसर की धरती चाह रही थी कि यहाँ एक यज्ञ हो और आप लोगों के वजह से, हम लोगों के वजह से, सारे जनता के वजह से ये सफल हो पा रहा है। और बहुत ही ज्यादा भीड़ लग रहा है और 10 दिन लगेगा। देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको हम बता दें, इस स्थल पर 2007 में एक भागवत कथा हुई थी दामोदर जी महाराज के द्वारा और उनके कुछ बहुत दिनों के बाद, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, अगर आप गिनिएगा 15 से 20 साल हो गए हैं, 15 से 20 साल के बाद एक यहाँ पर श्री श्री 108 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है और जिसमें देख पा रहे बहुत सारा संख्या में भीड़ है। आपको हम दिखाएंगे, हमारे कैमरा में दिखाएंगे, यहाँ पर मूर्ति को देखिएगा, 51 मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 51 मूर्तियां, सभी शिव जी, राधा कृष्ण, नरसिंह अवतार, सभी प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर कमेटी के द्वारा लगाई गई है। टोटल 51 मूर्तियां यहाँ पे लगी हुई है जो ये सब मेला का आकर्षण का केंद्र। और मेला आकर्षण में तारामाची, मौत का कुआं, झूला, ब्रेक डांस, चटपटी चाट की दुकान और बहुत सारे तरह तरह के सामान लगे हुए हैं। चलिए हम देखते हैं आगे चल के क्या क्या यहाँ पे है और क्या क्या चीज लग रहा है। और आपसे आग्रह है कि रोज संध्या शाम को 7 बजे सुश्री साधना शास्त्री जी के द्वारा भव्य राम कथा का आयोजन किया जाता है, इसलिए तमाम श्रद्धालु भक्तों। और देखिए हमारे साथ एक और दोस्त हमारे जय किशन जी जुड़ चुके हैं, इनसे बात करेंगे। जय किशन जी, कैसा लग रहा है मेला में? एकदम मजा आ रहा है, देखिए कल से और मजा आने वाला है। कल से और देखिए मेला में बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे देखिए श्रद्धालु कितना है, बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे भीड़ लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने, सभी बच्चे यहाँ पे आनंद ले रहे हैं, सुबह से शाम तक उसी तरह भीड़ लगा रहता है। चलिए हम देखते हैं आगे। चलिए देखिए हम लोग अभी मेला में और मेला में देख पा रहे हैं जैसा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है यहाँ का दृश्य और यहाँ का जो व्यवस्था है उनसे लेकर हम लोग कुछ बात करेंगे। सबसे पहले आप हाँ, यज्ञ तो समय से स्टार्ट हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अभी कार्य लगता है, प्रगति पर उतना नहीं है, थोड़ा धीरे चल रहा है, डेकोरेशन का कुछ अभाव दिख रहा है। अब कहाँ से आए हुए हैं ये बता सकते हैं? अब मेरा घर तो खेसर ही है, लेकिन बगल में खड़ौवा है एक गांव और घर खेसर में भी है मेरा। इनका घर खड़ौवा से आए हुए हैं देखने के लिए और सभी लोग इनसे भी बात करेंगे मिलके कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है और क्या आपको कुछ कमी लग रहा है तो बोलिए, हम उन कमिटी से बात करके उन कमी को हम लोग पूरा करेंगे। व्यवस्था बढ़िया है और स्टार्टिंग पीरियड है, लगता है कि 1-2 दिन में पूरा फॉर्म में आ जाएगा। 1-2 दिन थोड़ा सा सिस्टम को मैनेज करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये भी देरी ना हो और हम व्यवस्था को कल से व्यवस्था को पूरा अच्छी तरीका से करने के लिए मिलेंगे। फिर से देखिए हमारे साथ एक और आदमी जुड़े हुए, इनसे बात करेंगे, प्रमुख साहब थे पहले, इनसे बात करेंगे। सारी व्यवस्था समय पर हो जाएगी, आज जितना जो बचा खुचा है सब पूरा हो जाएगा। चलिए जो व्यवस्था बचा खुचा वो भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे छोटे छोटे बच्चे, अब बच्चे को देखिए कितना खुशी है, कैसा लग रहा है बाबू मेला में? अच्छा अच्छा लग रहा है। देखिए छोटा साइकिल है और साइकिल से मेला का भ्रमण कर रहे हैं, बहुत मजा ले रहे हैं बच्चे लोग। चलिए हम और देखते हैं और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप इंजॉय फ्रेश सोडा। अगर आपको गर्मी लगती है, गर्मी है, गर्मी में प्यास को बुझाना है, तो एक बार इनसे जरूर मिलिएगा इंजॉय फ्रेश सोडा। यहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी, एप्पल, लीची, कोको कोला, सभी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स मिलने वाले हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप एक बार मेला में जरूर इंजॉय करने के लिए आए। ये हमारा पता है शीतला स्थान खेसरबा का। चलिए और देखते हैं आगे किस सीनों में कि क्या क्या चीज यहाँ पे है मेले में, अभी तक क्या क्या सामाने आ चुकी है। और देखिए उधर हम लोग देखेंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पे मीना बाजार, मीना बाजार का प्रोसेस जारी है और कल तक में यह मीना बाजार अच्छी तरीका से व्यवस्थित हो जाएगा।
कल तक में ये मीना बाजार पूरे अच्छी तरीका से व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कुछ मनोरंजन की हम लोग मौजूद हैं, मनोरंजन के साधन जैसे बच्चे इनको ज्यादा पसंद करते हैं। और ये देख पा रहे हैं ये छोटा सा एक गाड़ी है, ये मूविंग करता है, इसमें जीव या बहुत सारे तरह के एरोप्लेन बाइक लगे होते हैं और इसमें छोटे बच्चे बहुत आनंद लेते हैं। और छोटे बच्चों के अलावा बड़े बच्चों के लिए भी मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पाछे में देख पा रहे हैं ये नाव लगा हुआ है जो बड़े बच्चों के लिए है। और एक और खतरनाक चीज जिनका आप लोगों को था इंतजार, ब्रेक डांस। चलिए हम लोग ब्रेक डांस को कैमरामैन फोकस करेंगे ब्रेक डांस को और ब्रेक डांस पे देखेंगे कि क्या व्यवस्था है और कब तक तैयार हो जाएगा ब्रेक डांस। चलिए हम लोग ब्रेक डांस की ओर चलते हैं। और ब्रेक डांस का चक्का आप देख पा रहे हैं नीचे का बेस ब्रेक डांस का, ये लगातार प्रगति पर है। और इनका कार्य ब्रेक डांस का देखिए भी पूरा एकदम जोरों शोरों से है और कल तक आशा करते हैं कि ये ब्रेक डांस चालू हो जाएगा। और नाव है और इधर देखिए तारा माची और इधर ट्रेन भी है सभी बच्चों के लिए, वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे के आनंद लेते हैं ट्रेन पे। और सभी प्रकार के उधर मिठाई के दुकान है, नाश्ते की दुकान है, चाट की दुकान है, ठंडा कोको कोला सभी प्रकार की चीजें उपलब्ध है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। जो भी लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें।